हेलो फ्रेंड्स, एक बार से फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको डाइनिंग टेबल दिखाने वाला हूं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको डाइनिंग टेबल दोस्तों यहां से मिल जाएगा। और लग्जरी डाइनिंग टेबल भी अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों यहां पे मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑर्डर पे प्रोडक्ट बनता है। अगर आपको ऑर्डर पे कोई भी सामान बनवाना है, मतलब बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, फर्नीचर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बनवाना है डाइनिंग टेबल के अलावा, तो वो भी यहाँ पे बनता है। और आप अपने प्रोडक्ट को बनते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, सारी चीज़ यहीं पे मैन्युफैक्चर होती है, पॉलिश यहीं पे होती है, सारी चीज़ यहीं पे होती है। तो आप अपने प्रोडक्ट को बनते हुए देख भी सकते हैं किस क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है, जो मटेरियल हमको बोला है वो मटेरियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप बनते हुए प्रोडक्ट को देख सकते हैं। मार्केट से रीजनेबल प्राइस में दोस्तों आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट यहीं मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इसलिए आपको रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। एक काम करता हूँ, डाइनिंग टेबल एक करके जितनी भी यहाँ पे डाइनिंग टेबल है सारे में एक करके आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ की जितनी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मतलब नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, ये सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको यहाँ पे नंबर फ्लैश होते दिख जाएगा, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कॉल ना उठाए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ये वाली डाइनिंग टेबल दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूरी राउंड शेप में बनी हुई है, और जो इसका टॉप है ये पूरा राउंड 4x4 का इसका टॉप है। अगर मैं आपको इसके पिलर दिखाऊं, ये इसका बेस है, कुछ इस तरीके से इसका बेस है, और चार चीज इसके अंदर चेयर है। आप चाहें तो 5 चेयर भी डाल सकते हैं, लेकिन 4 चेयर इसमें डली हुई हैं। और टॉप का साइज मैंने आपको बताया 4x4 का टॉप का साइज है। और ये जो ग्लास है दोस्तों, ये प्रिंटेड ग्लास है, कोई मार्बल नहीं है, ये प्रिंटेड ग्लास है। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, मतलब 100 से ऊपर आपको इसमें डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप चाहें इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। ग्लास की थिकनेस है दोस्तों, ग्लास की थिकनेस आपको 10 mm ग्लास की थिकनेस मिलेगी। इसके ऊपर भी थिकनेस आती है 12 mm, लेकिन इस डाइनिंग टेबल के 10 mm सफिशियंट है। आप चाहे तो 12 mm भी लगवा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा और मोटा ग्लास चाहिए तो वो भी इस पे लग जाएगा। बाकी चेयर का डिजाइन आप देख सकते हैं, ये हमारी चेयर है, कुछ इस तरीके से डिजाइन है। और गोल हमको इसमें, जैसे हमारे डाइनिंग टेबल राउंड में है, सेम वही हमको चेयर भी हमको राउंड में है, और जो सिटिंग एरिया है वो भी हमारा राउंड में है। बैक रेस्ट आपको इसमें बहुत कंफर्टेबल मिलेगा। और आपको अगर लेग दिखाऊं मैं, आप देख सकते हैं ये लेग किस तरीके से हैं। इस चेयर को आप, मतलब अगर बालकनी में आपको बैठना है तो आप इसको भी डाल के बैठ सकते हैं, डाइनिंग टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बालकनी में बैठना है तो इस चेयर के साथ भी आप जा सकते हैं। लकड़ी दोस्तों जो इसमें लगी है सारी सागवान की लकड़ी पे बनी, मतलब पूरी डाइनिंग टेबल आपको सागवान की लकड़ी पे मिलेगी, मतलब A to Z जो भी लकड़ी है सब सागवान की है। बाकी अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो देख सकते हैं ब्राउन कलर का PU पॉलिश हो रखा है, और जो सीटिंग है वो हमारी व्हाइट कलर की सीटिंग है, व्हाइट रेक्सिन हमने सीटिंग में लगाई हुई है। ये वाली डाइनिंग टेबल भी आप देख सकते हैं, ये पूरी लग्जरी लुक में डाइनिंग टेबल बनी हुई है। और अगर मैं इसकी आपको चेयर दिखाऊं, ये हमारी चेयर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हमारी चेयर का डिज़ाइन है। और जो डाइनिंग के जो पैर हैं, आप अगर आप लेग देखेंगे डाइनिंग के, सेम वही लेग आपको डाइनिंग के पिलर के मिलेंगे। कहने का मतलब है जो चेयर के जैसे लेग हैं वैसे ही आपको डाइनिंग के पिलर के लेग मिलेंगे। और कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो इसमें क्रीम कलर का फैब्रिक लगा हुआ है, पॉलिश दोस्तों PU पॉलिश में पॉलिश हो रखा है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन चेंज करा सकते हैं। और इसके ऊपर देखेंगे दोस्तों, जो इसके ऊपर है वो दोस्तों मार्बल नहीं है, ग्लास है, ये भी 3D प्रिंटेड ग्लास है। इसमें भी आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। और अगर टेबल की साइज़ की बात करूँ, टेबल का कितना साइज़ है तो दोस्तों 6x3 का टेबल का साइज़ है, और पूरी 6 सीटर ये डाइनिंग टेबल है। और अगर डाइनिंग की चेयर अगर मैं पीछे से आपको दिखाऊँ, पीछे से कुछ इस तरीके से डाइनिंग की चेयर का लुक आता है, और नीचे से दिखाऊँ मैं आपको, अंदर से कुछ इस तरीके से डाइनिंग की चेयर का लुक है। एक और डाइनिंग टेबल दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूरी 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, और ये भी पूरी लग्जरी लुक में डाइनिंग टेबल होने वाली है। अगर आप इसका सिटिंग एरिया देखेंगे तो पूरा बड़ा सा सिटिंग एरिया मिलेगा, बैक रेस्ट आपको इसमें मिलेगा, प्लस हेड साइड पे आपको कार्विन वर्क मिलेगा। और जो पैर हैं आपके डाइनिंग के जो लेग हैं, सेम वैसे आपको इसके लेग मिलेंगे, टेबल के लेग मिलेंगे। उसके बाद इसके ऊपर दोस्तों ये है मार्बल, मार्बल दोस्तों इटालियन ये मार्बल है। और इसके ऊपर देखेंगे दोस्तों 6x3 का हमारा मार्बल है, ये मार्बल है दोस्तों, ग्लास नहीं है। और मार्बल में भी दोस्तों बहुत सारी क्वालिटी आती है, जैसे ये वाला मार्बल है दोस्तों, ये इटालियन मार्बल है। इटालियन मार्बल में 2-3 क्वालिटी आती है, एक आती है कंपोजिट, एक आती है कंपोजिट, एक आती है डाइना। दोस्तों ये कंपोजिट मार्बल है इटालियन, और जो उसकी टॉप का साइज है वो 6x3 टॉप का साइज आपको मिलेगा। फैब्रिक
पॉलिश का कलर, ये सारी चीज आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बनवा सकते हैं। अगर नीचे से दिखाऊं मैं आपको डाइनिंग टेबल किस तरह का लुक आता है, नीचे से कुछ इस तरीके का डाइनिंग टेबल का लुक आता है। पॉलिश दोस्तों वो मैंने आपको बताया, सभी आपको डाइनिंग टेबल पी यू पॉलिश मिलेगा। और लकड़ी में अगर लकड़ी की बात करूँ, लकड़ी कौन सी है दोस्तों, जितनी भी डाइनिंग टेबल है सारी आपको सागवान की लकड़ी में मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर पे हमें शीशम वुड में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। एक और डाइनिंग टेबल दोस्तों आपके सामने है, ये भी पूरी सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल है, लेकिन दोस्तों इसका सेंटर बेस है वो थोड़ा अलग है, यूनिक है। आप देखेंगे इसका बेस ये किस तरीके से हैंग हो रखी है, और जो उसके ऊपर मार्बल है वो दोस्तों ऑनेक्स मार्बल है, ये थोड़ा इम्पोर्टेड मार्बल होता है, और मतलब थोड़ा कॉस्टली ये मार्बल होता है। और चेयर मैं आपको दिखाऊं, चेयर का लुक कुछ इस तरीके से है, ये हमारी चेयर है। और अगर पीछे से आपको चेयर का मैं लुक दिखाऊं, पीछे से दोस्तों हमारा वुडन पीछे हो रखा है बैक चेयर पे, और कुछ इस तरीके से लुक आता है हमारी चेयर का। दोस्तों जो इसमें पॉलिश हो रखी है वो पीयू पॉलिश नहीं हो रखी है, पॉलिस्टर पॉलिश है। ये थोड़ी मतलब हाई क्वालिटी ऑफ पॉलिश में आती है, और थोड़ी इसमें क्या होता है शाइनिंग होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, स्क्रैचलेस होती है पॉलिश, और इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और टेबल की अगर मैं साइज़ की बात करूँ दोस्तों, टेबल का जो हमारा साइज है वो चौड़ाई में दोस्तों 3.5 है, और लंबाई में हमारा 6.5 है, मतलब आधे फिट चौड़ाई में आधा फिट लंबाई में थोड़ा बड़ा है ये डाइनिंग टेबल। और आप देख सकते हैं इस पे टेक्सचर बने हुए हैं मार्बल पे, और जो मार्बल है वो मैंने आपको बताया ये ऑनेक्स मार्बल है, और 6 सीटर आपको इसके साथ मिलेगा। आप चाहें तो इसमें 8 सीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और उस साइड में आपको जगह खाली मिलेगी, तो आप 2 सीटर और ऐड करा सकते हैं, क्योंकि टेबल का साइज़ में थोड़ा बड़ा है। और जो पॉलिश मैंने आपको बताई दोस्तों, पॉलिस्टर पॉलिश है दोस्तों, पॉलिस्टर पॉलिश थोड़ी महंगी होती है, वो इस वजह से क्योंकि स्क्रैचलेस होती है, इसमें स्क्रैच जल्दी नहीं लगते। और जो वुड है वो हमारा सागवान वुड पे पूरा बना हुआ है, जितनी भी लकड़ी लगी है दोस्तों इसमें पूरी सागवान की लकड़ी में ये पूरा डाइनिंग टेबल बना हुआ है। एक डाइनिंग टेबल दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, ये भी पूरी 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, लेकिन दोस्तों जो इसकी चेयर है वो सिंपल में चेयर है, और इसके ऊपर दोस्तों हमने मार्बल का वो दिया हुआ है, मतलब इसके ऊपर मार्बल है, कोई ग्लास नहीं है। और मार्बल दोस्तों जो है इटालियन मार्बल है, 6x3 का दोस्तों मतलब मार्बल का साइज है, और 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। अगर मैं आपको चेयर दिखाऊं, कुछ इस तरीके से चेयर का डिज़ाइन है, अभी इस पर कुशन नहीं लगा हुआ, इस पर कुशन लग जाएगा। और बाकी पॉलिश तो इस पर डार्क कलर का पॉलिश हो रखा है, और अगर नीचे से मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके से नीचे है। और ये डाइनिंग के दोस्तों हमारे पिलर हैं, ये डाइनिंग के हमारे पिलर हैं, आप देख सकते हैं गोल में हमारे पिलर हैं डाइनिंग के। उसके बाद ये हमारा 6x3 का डाइनिंग का टॉप है। आप चाहें तो इसके ऊपर मार्बल की जगह ग्लास भी रख सकते हैं, 3D ग्लास भी रख सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल ग्लास भी रख सकते हैं। एक और डाइनिंग टेबल दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूरी रैप होके पैक हो रखी है, और पूरी 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। देखेंगे CNC कटिंग मशीन से डिज़ाइन बना हुआ है, ये देखेंगे ये डिज़ाइन इसके ऊपर बना हुआ है, और ये एक डिज़ाइन बना हुआ है दोस्तों। इसके ऊपर मार्बल नहीं आएगा, इसके ऊपर ग्लास आएगा, ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होता है हमारा वो इसके ऊपर प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास आएगा। और ये हमारी 6 डाइनिंग की चेयर है, कुछ इस तरीके से हमारा डाइनिंग की चेयर का लुक है, और ये हमारी सीटिंग है, ये हमारी सीटिंग है, और उसी कलर में हमारी सीटिंग का कलर है जो हमारी पॉलिश का कलर है, सेम हमारे कलर सीटिंग का कलर है। और ये हमारी डाइनिंग टेबल है, अगर मैं आपको पिलर दिखाऊं, ये हमारे डाइनिंग टेबल के पिलर हैं। उसके बाद जो इसका साइज है दोस्तों 6x3 का इसका टॉप का साइज है। ग्लास दोस्तों जो इसके ऊपर आएगा वो 12mm का इसके ऊपर ग्लास है हमारा। आप चाहें तो ग्लास की थिकनेस कम में भी जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर दोस्तों हमारा जो ग्लास आएगा वो 12mm ग्लास का। ये किसी कस्टमर का दोस्तों ऑर्डर पे है, और इसीलिए हमने पैक करके रखा हुआ है। एक डाइनिंग टेबल दोस्तों आप और देख सकते हैं, ये 4x3 की दोस्तों डाइनिंग टेबल है। ये सिर्फ टेबल हमने बनाई है, क्योंकि किसी कस्टमर का ऑर्डर रहता है, कोई कस्टमर का ऑर्डर रहता है उनको टेबल की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है या चेयर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी बन जाएगा। और अगर आप टेबल के ऊपर का डिज़ाइन देखेंगे दोस्तों, वो पूरा अंदर आपको स्क्वायर में डिज़ाइन मिलेगा दोस्तों। ये डिज़ाइन है पूरा CNC मशीन पे कट के फिर लगता है। अंदर दोस्तों आपको फ्लावर वाला मिलेगा, इसके अंदर दोस्तों आपको फ्लावर वाला पैटर्न है रखने के लिए, आप इसके अंदर फ्लावर रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो इसका ग्लास है वो 8mm का दोस्तों आपको ग्लास मिलेगा, और ग्लास दोस्तों जो है वो पूरा आपको धार पॉलिश के साथ मिलेगा, मतलब अगर आप हाथ वाथ रखेंगे तो आपका हाथ नहीं कटेगा, क्योंकि ये पूरा मशीन से पैक होता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर इसके पिलर देखेंगे, ये हमारे 5x5 के डाइनिंग के पिलर हैं, और पॉलिश का कलर दोस्तों डार्क ब्राउन कलर में पूरा पॉलिश हो रखा है।
तो दोस्तों यहाँ की जितनी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मतलब नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फर्नीचर रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, मतलब फर्नीचर के बारे में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी जितनी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पे वीडियो हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों फर्नीचर रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, मतलब फर्नीचर के बारे में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।